हो गया, ये पोर्शन या बैकिंग रिंग पहले लगाते हैं, और चक्का में ये कभी लूज नहीं अलाउ होगा। लूज होने से क्या होगा, ये बियरिंग को काटेगा। लूज होगा क्या होगा, दोनों में रिलेटिव मोशन होगा, कटेगा। इसलिए ये फिक्स है और इसमें टच नहीं हो रहा। फ्री होने के बाद क्या होगा, अगर ये लूज रहेगा खटखट कर मारेगा, जहाँ तहाँ टच करेगा काटेगा, और इसको और आगे नहीं जाना, बियरिंग का जो पोर्शन ये आगे नहीं, इसलिए इधर से दे दिए। काइट टेपर्ड पोर्शन है ना, इस पर टेंडेंसी रहेगा ऊपर चढ़ने चढ़ने। अच्छा, ये तो गुना सिस्टम है, इसमें तो नहीं है सर, इसमें तो कोई पैकिंग प्रेस किया हुआ है, प्रेस करके प्रेस किया हुआ ना, इसमें देखिए तो एक पिन फिन कुछ होगा। इसमें तो हम जैसे एक्सेल इकला हो रहा था, तो ठेठ तो है नहीं सर, इसमें इसको प्रेस किया हुआ है ना, जो भी किया हुआ है तो ये आपको और फ्री नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, अब इसका है ये पोर्शन फ्लेंज, फ्लेंज में क्या क्या डिफेक्ट है, एक तो ये जब ट्रैक ऐसे चल रहा है, ये घिस रहा है, घिसते घिसते ये क्या हो रहा है, ये खास क्रम में है, इससे और छोटा क्रम में नहीं होना चाहिए, ये इसका चेक करना है। एक दूसरा ये चलते चलते धक्का लगते लगते पतला होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल खराब हो गया, फिर इसको टर्निंग करेंगे ये और पतला हो, एक लिमिट किया गया जो उससे कम नहीं करना है। काहे, जब ट्रैक में इसे धक्का लगेगा ये पतला होगा तो क्या होगा, इसको तोड़ के गाड़ी फेल हो सकता है, इसलिए एक लिमिट किया गया, कितना बाद में बोलते हैं, ये इससे कम और मैंने थिकनेस वाला नहीं चला सकते। दो तीसरा है ये जो देखिए यहाँ पर है, ये एक्चुअल अभी लग रहा है इसे फ्लैट है, लेकिन इसे नहीं, इसे टेपर है, ये जब इसको बहुत फाइन मैंने माइक्रोस्कोप से देख सके, इसे नॉर्मल पता नहीं चलेगा, ये कर्व जो है ये इसे तिरछा है, थोड़ा तिरछा, ठीक है, क्यों तिरछा किया गया है, हम तो स्ट्रेट भी चला सकते, तिरछा है, प्लस ये जो है ऐसे राउंड है, यहाँ पर ये राउंड है, रूट 45 डिग्री है ना, इसको रूट रेडियस बोल रहे हैं, ये पोर्शन, ये अगर घुमाएंगे तो एक सर्किल में बन जाएगा, अगर इसका एक गोला के रूप में, ये रूट रेडियस, ये सार, ये भी है कर्व, ऐसे दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन कितना तक अलाव होगा वो हम इससे, हम थ्योरिटिकल है इसका डाटा वो बताया, लेकिन ये गेस से हमारा बिना कोई डाटा जाने इससे हम चक्का जाएगा नहीं जाएगा, ये भी जस्ट गो नोट गो गेज की तरह काम करें, इसी से हम इसको मैंने रिजेक्ट कर सकते हैं अगर डिफेक्ट है तो, ठीक है। उसके बाद ये टेपर है, टेपर काहे के लिए रखा है, सीधा गाड़ी चलने के लिए, मान लीजिए इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर चल रहा गाड़ी चलते जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घूमेगा तो घूमेगा तो आप ही देखिए, जैसे ये चक्का है इसे, तो ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ घूमने में ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों में अंतर है, ये ज़्यादा लग रहा है ये कम है, तो इसमें तो ये तो फिक्स है, और एक एक्सिल पर तो घूमना है तो ये ज़्यादा कैसे चलेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा कैसे चलना चाहिए, इसको क्या क्या ये जो टेपर दिया है ऑटोमेटिक, ये जब ऐसे घूमेगा तो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हो रहा है, इधर बनेगा, ठीक है, ये वो जो चक्का है मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट घट रहा है, इधर भाग रहा है, और वो जो है प्लेन के साइड में सटने का कोशिश, मतलब ये ऊंचा में जा रहा है, ऊंचा में जाएगा ये डिस्टेंस ज़्यादा, और ट्रक में ये चीज नहीं, ट्रक में क्या होता है गियर का अरेंजमेंट डिफरेंशियल बोलता है, ऑटोमेटिक स्लिप करके वो मेकअप कर रहे, लेकिन इसमें वो चीज़, इसलिए कर्व दिया गया। उसके बाद इसका भी एक लिमिट किया, ये जब कर्व छोटा हो जाएगा ये कहाँ जाकर डिस्टर्ब करेगा, पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं होगा, फिर पॉइंट पर ही आएगा, पॉइंट जो क्रॉस कर रहा है, जो दो लाइन टच हो रहा है वहाँ पर देखेगा पतला रहता है, उसी पॉइंट पर ये डिस्टर्ब करेगा, उस पर ये ठक 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 मार सकता है। शार्प लेंथ का भी वही है, वो गैप उसका भी एक लिमिट किया भाई, जैसे इसको 3 mm दिया रहे तो उसको भी कुछ रेंज है, इस रेंज तक गैप रह सकता है, मैकेनिकल चीज़ है तो हमेशा 100% रहे चलते चलते, तो उसको भी कुछ टॉलरेंस दिया, अब ये अगर पतला हो जाएगा क्या होगा, उसी उसमें जाके घुस जाएगी, तो अब उसको रोकने के लिए इस गेज से हमको चेक करना, पहले इसका थिकनेस क्या किया, 16 mm तक है, लेकिन 16 mm हम नापना झंझट है, इसलिए गेज किया गया, इसका ये गेज यहाँ का जो है पोर्शन, ये कोचिंग के लिए फिक्स किया था, जो 22 mm है इस थिकनेस, तो इसमें तो घुस जा सकता है अगर कम रहेगा उससे, लेकिन कोचिंग का ये वागन का थोड़ा और ये रहेगा, मैंने ये स्पेस कम रहता है, ये अगर घुस जाता है पूरा मतलब कि ये थीन हो गया, ठीक है, और 60 mm में जाके कंडम होना, 60 mm से आने से इसको हटा देना, ठीक है, तो ये हो गया थिकनेस। ये अगर
अगर मान लीजिए आपको 16 में कंडम किया और ये क्या हो रहा है, ये पोर्शन अगर इसमें टच हो गया तो वो हो गया डीप फ्लैंज। डीप मतलब ये जो है देखने में लंबा लगेगा, ऊंचा ज़्यादा उठा हुआ, कोई कोई चक्का लगता है लेकिन जल्दी होता नहीं है। है थीन होगा तभी होगा, जब तक नहीं पतला होगा तो वो नीचे आएगा कैसे, ठीक है। इसलिए ये होने का, तो ये दोनों एक साथ क्रिएट होगा। उसके बाद ये जो रे है अभी कर्व से, ये क्या होगा, ये इधर से टच नहीं हो रहा कहीं भी लाइन में, से टच नहीं हो रहा, टच हो रहा है ये कैसे। अब ये कटते कटते छोटा हो गया, उसको चेक करना है। ये शार्प लेंस, शार्प लेंस यहाँ नहीं चेक करना, कहाँ गई इस पोर्शन में, जब भी चेक करना है इधर में भी लेना नहीं है हमारा इस एरिया में जो कॉन्टेक्ट में एकदम। देखिए इसको क्या करना है, ऐसे लगाना है और बीच में कॉन्टेक्ट नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट में रहेगा, बीच में खाली है, मतलब हमारा अभी चक्का शार्प नहीं हुआ कहीं भी लगाने से एकदम। जैसे ही बीच में कॉन्टेक्ट में आता है, ये भी हो सकता है कॉन्टेक्ट, ये भी, तो कोई एक खाली रहेगा, दोनों कॉन्टेक्ट एक साथ, ये दोनों इसमें टच नहीं कर पाएगा। और जब नहीं टच कर पाएगा इसका मतलब ये शार्प हो, अभी दोनों टच करेगा, हाँ। बीच में खाली है, लेकिन जब शार्प होगा इस बीच में टच कर सकता है, इधर कर सकता है, दो ठो इधर इधर या इधर या इधर इधर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं टच कर पाएगा उस जगह से, कहीं भी इस एरिया में हो गया तो शार्प लेंगे डिटेक्ट हो। तो इस पॉइंट से हमको इससे नहीं देखना है शार्प लेंगे, इससे देखना है। रूट रेडियस, रूट रेडियस कब तक चलेगा, रूट रेडियस का पहचानने के लिए कहाँ से है इसको, ये इसको जब ठीक है इसको ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, इसको कोशिश करना लगभग पैरेलल रखिए इसका एकदम, ये फेस जिसे रखिए, और ये में गैप है अभी अभी नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं है, ये पोर्शन यहाँ, ये गैप से नहीं मतलब, ये जो है यहाँ पर इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये गैप होने का मतलब है इससे और ये शार्प हो गया कर्व, ये गैप वो अलाउ नहीं है, ठीक है। रूट रेडियस ठीक है, इसमें हमको अभी कुछ बता रहे हैं कि ये डायमेंशन का है, कितना इसका डाटा है, कुछ नहीं हमको इससे गेज में, यही चीज़ है, फैसिलिटी यही है, इससे हम डायरेक्ट बिना डाटा जानकारी, एक मैंने इलिटरेट आदमी भी इस गेज का इस्तेमाल कर सकता है, डाटा नहीं याद होगा तभी बता देगा इसको जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए गेज इस तरह से किया गया। और डाटा काउंटिंग मिलाना आसान नहीं है, उससे बेहतर है जिसको हम लगाए सीधा जाएगा नहीं जाएगा, अगर यहाँ गैप हो रहा है इसे इस तरह खड़ा किया, अगर इस गैप होना शुरू हो गया मतलब इसका रूट रेडियस कट गया, ये लगाए अगर इस बीच में कॉन्टेक्ट में आ रहा, दोनों साइड वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में होके कोई एक का और बीच वाला कर रहा है, मतलब यहाँ शार्पनेस शुरू हो गया, इसमें कोई डाटा हम नहीं जान रहे अभी, लेकिन गाड़ी चक्का जाएगा कि नहीं, ये हो गया दो। उसके बाद होलो टायर तो वहाँ बेहतर है, उसमें पता है जो नहीं देखे, यहाँ पर कोई चक्का में इसको हम इस तरह से लगाए, इस फेस को पैरेलल करेंगे, यहाँ टच हो गया तो ठीक है, ये पॉइंट जो है टच इसमें नहीं होना चाहिए। टच होने का मतलब हो गया, ये कब होगा, जब इसको नीचे जाने का जगह मिलेगा, मतलब ये पोर्शन गड्ढा हो रहा है, ठीक है, या इसी को बोलते हैं डबल फ्लैंज, एक ये उठा हुआ है एक ये उठा हुआ, फ्लैंज का पोर्शन क्या उठा हुआ है ना, डबल फ्लैंज हो, मतलब ज़्यादा गड्ढा हो, डबल फ्लैंज हो गया, लेट हो गया तो कल बताएगा, कल लेट मत करो और परसों तुम्हारा रेस्ट होगा नहीं, ठीक है। ये टच नहीं होना चाहिए, ये हो गया होलो टायर, ठीक है, शार्प लेन, रूट रेडियस, होलो टायर, उसके बाद गेज का कहाँ जहाँ फंक्शन है, ये फ्लैट प्लेस, इसमें दो ठो मार, ये डिस्टेंस 60 mm, ये यहाँ से यहाँ ये पॉइंट से इस पर, और ये है डिस्टेंस 10 mm, ये डिस्टेंस 10 mm, तो ये जो 50 mm किया गया इससे हमारा कोचिंग का भी ये फ्लैटनेस चेक कर लेंगे, इसको लगाएंगे, इसको इस तरह से कहीं लगाएंगे, कहीं भी जहाँ पर लग रहा है डाउट, चाहे घिस गया, अगर ये पॉइंट टच हो जा रहा है मतलब ये चक्का फ्लैट हो गया, और कम से कम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर दोनों टच कर गए, और ज़्यादा भी हो सकता है, अगर यहाँ तक है तो वाहन का भी अलाउ नहीं होगा, लेकिन इससे कम रहेगा तो हम छोड़ सकते हैं कानूनी तौर पर, इफेक्ट जो हो, इफेक्ट मान लीजिए ये क्या होगा, चलते चलते खट मारेगा, अगर स्पीड कम है तो हो सकता है चला जाए, लेकिन वही काफ़ी स्पीड होगा, यही तोड़ सकता है, ट्रैक वीक रहेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबल वहाँ ठहरा है, लेकिन जब हमारा गेज में अगर नहीं आएगा तो हम बच जाएंगे, वो गाड़ी अलाउ हो सकता है, लेकिन
कोचिंग या इंजन का जो है 50 mm से ज़्यादा अलाउ नहीं, बूट का 60, बूट का 60 तक छोड़ सकते हैं, 60 आने का मतलब खतरा। अरे उसका रोल होते थे फिर क्या होता है, ये गोल होगा प्रैक्टिकली देखा गया, जी क्या होगा ये पॉइंट जो यहाँ पर है बीच में टच होता नहीं है, ये दोनों खटखट मार रहा, ये दोनों फिर चिपटा होते होते फिर क्या फ्लैटनेस घट के फिर राउंड होते लगता, लेकिन मशीन ये ट्रैक बचाने के लिए उसको अलाउ नहीं करना। उसके बाद गेज का और कोई है काम, एक और है कंडम, ये डिस्क जो 906 पर जो कटा रहे, या तो इसको डायमीटर से काट रहे गेज से अगर 906 आ रहा, और नहीं इसी में देखिए एक एस है अस्टर्ड फास्ट एंड और है सॉलिड वोल्ट, यहाँ पर कैसे लगाएंगे तो उल्टा साइड लगता है, उस साइड लगता है ना, इसमें ऐसे ही लगेगा, टच हो जाएगा आपको ये डिस्क हमारा कैसे पता चलेगा, डिस्क पीछे से हो जाएगा, ये पोर्शन कैसे लगाएंगे, ये पोर्शन तो ये तो स्ट्रेट हो ही नहीं रहा, इसका कट इधर से कट मार्क आपको ये टच नहीं होना, ये टच होने का मतलब हो गया आपको कंडम ये तो ठीक होगा, ऐसे लग रहा है। अरे यही पोर्शन पांच हो गया ना, ये पोर्शन ये पैरेलल में लगाना है यार, हां पैरेलल में लगा हुआ है, ये पोर्शन टच होगा ही नहीं, टच कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो मोटा नहीं हो रहा है, नहीं हुआ पतला 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 ये है हमारा, देखो पतला वाला होगा टच नहीं होगा, नहीं होगा टच नहीं होगा, आप सुनिए ये कंडम हमारा ये जो पोर्शन यहाँ पर देखिए कम जाएगा, हमको लग रहा था इस साइड लगा, इस साइड कैसे आप पैरेलल रहेगा कैसे, ये तो ऐसे लगाएगा वो तो वहाँ फिक्स नहीं, नहीं ऐसे लगाएगा ये घुस जाएगा तो कौन घुस जाएगा, कोई घुस जाएगा ना 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 पतला, ये हमें इसका थिकनेस जानना है, हम्म हो ना करा हो ना मोटा टाइप कुछ।